तो भाई चार दिन में दो लड़कियां तो हो गई आउट अभी से ही अभी तो बाकी हैं फोर्टी वन डेज और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो होता है ना कि जैसे श्रीलंका भी ऑल आउट हो गई थी इंडिया से इतनी जल्दी मुझे लगा ये चारों आठों के आठों जो है ना वो बहुत ही जल्दी दस फोर्टी ओवर से दूर ये पाँच ओवर दस ओवर में ही सब ऑल आउट हो जाने वाले हैं पहले दिन देख के ये लग रहा था कि भाई लड़के फिसलेंगे बिल्कुल <laughs> सही है क्योंकि उनके अल्फाज उनकी आंखें उनके जेस्टर उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी लड़कियां काफ़ी कंपोज नजर आ रही थी रो रही हैं कि भाई इसने इसको क्यों चूज कर लिया इसने इसको क्यों चूज़ कर लिया फिर पहली गोटी गिरती आपकी निकिता की हम बोलते हैं वाह भाई ये तो फुल आउटलाइन और आज हमने चेस्ता को भी देख लिया बिल्कुल मतलब आठ में से दो जो गए वो दोनों लड़कियां और लड़के अभी भी स्ट्रॉग चल रहे तो चेतना, चेतना, चेतना याद आ गई उसको लगा कि भाई मैंने बड़ा स्टीमी सा डांस तो कर लिया यहाँ पर क्योंकि है डायरेक्टर तो उन्होंने डांस भी बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया वो जानते हैं बॉलीवुड के सारे शशके क्या होते हैं लड़की अंदर ले गए स्विमिंग पूल में तो बेचारी लड़की की हाइट छोटी तो महिमा की एक तो हाइट छोटी है डूब तो जाएगी मुझे कसम से ही लग रहा था कि शुरू में तो सीढ़ियों पे स्टेप्स खड़ोगे ना उसने तो मैंने कहा चलो यार लड़की के लिए सेफ है हाँ। ज्यादा नीचे ना लिया पता चला एक बंदी टेंटरी गायब हो गई तो फिर किसके साथ तुम करोगे बिल्कुल फिर और नीचे लेकर के मतलब गए ये तो कुछ करना पड़ेगा इसलिए अगर आप देख देखना डांस मूव में सबसे ज्यादा उसको उठाया है उसने हाँ, सांस ऑक्सीजन उठा दिया है ऊपर फेंक फेंक के ऑक्सीजन <laughs> दिया कि बंदी कहीं डूब के ना मर जाए बबल आना ना शुरू हो जाए तो ये बड़ा अच्छा उससे ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा और उसको जीवित रखा यही था और यही पूरा इन्जॉय किया महिमा के साथ ऐसा डांस किया कि सब तारीफें कर रहे हैं इतना इतना स्पाइसी रोमांटिक और वो कह रहे हैं बॉलीवुड जैसा और उसके बाद एकदम से जब जैसे ही राजवी पे जाते हैं तो उन्होंने चेतना किया रहती है मैं कहता हूँ अभी पहले महिमा पे आ जाती तो भाई अब क्या आप थक गए हो सीधे से कोई हाँ। और वो कोई कपड़ा उनके हाथ पे आता है कुछ होता है जिसकी वजह से एकदम से होता है वो डर जाती है राजवी के टाइम पे जब उनको चेतना एकदम से याद आई वो कोई कपड़ा उनके हाथ पे आया उनका या उस कपड़े से उनको याद आई चेतना हाथ से ऐसा ना पीछे चेतना ने पकड़ लिया भरोसा नहीं टेम्पटेशन आइलैंड वालों का पूल के अंदर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड भी भेज दी वहां से उसने पकड़ लिया हाथ बिल्कुल निशान का क्या भाई मेरे साथ भी कर ले डांस तो वो ये डर रहे थे और बाहर आके फिर उन्होंने बोला दूसरा हम देखते हैं तो वो जो है वो उनका भी यही है वो कहते हैं कि यार मैं ये सारे हम लोग कर रहे हैं फिर मैं सोचता हूँ अगर निधि ऐसा कर रही हुई हुँ, हुँ, हुँ। तो वो तो इतनी अच्छी डांसर है वो तो ऐसा करेगी मुझे कितना बुरा लगेगा तो वो भी थोड़े से वैसे सहमे सहमे लड़कों का अलग ही वो चल रहा है टेन जो हमें लगा था बहुत और वो सारी चीजें वो सबसे मुझे शर्मिला शर्मिला हाँ शर्मिला और शरीफ मुझे लग रहा है जो कि बस नजरे नहीं मिला रहा वो लड़कियां खुद उस पर हिट कर रही है वो जब आ, स्पिन द व्हील में हग उसको मिले हाँ। लेकिन आप हग का स्टाइल भी देखें, एक तो होता है अर्जुन टाइप कर लेना करना ही करना नहीं, है। नहीं चाहिए उसकी भाई। तो किसी बात पर नहीं तीन आंखें उसकी देखूंगा एक आंख से देखूंगा चार आंखें करती है वो चार आंखें करती है वो तीन आंखें नहीं करती है चार पे मुझे तो जीरो 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 भरोसा चेतना और आर्यन की जो फर्स्ट डेट थी गार्डन में उन्होंने डेट बनाई है अपनी और ये कपल मुझे बहुत ज्यादा क्यूट ये बहुत जेन्यून लगा बहुत क्यूट हार्मलेस लगा इरादे सबके नेक लगे हाँ। ना कोई गंदा काम लगा हाँ। अब दोनों की आप देख लो ना बाकी जो है वो अलग ही पेज पे चल रहे हैं अलग ये उसका इनका जो कॉन्वर्जेसन भी हो रही है वो बहुत क्यूट है इसको कह सकते हैं आप हेल्दी फ्लर्टिंग फ्लैटिंग ना कोई इसके अंदर चीज़ी लाइंस है ना पिकअप लाइंस है अगर आप हरियाणा इतना क्यूट और स्वीट बंदा मुझे लगा ना आप अगर नोट करो तो जब उससे बात भी हो रही है तो वो आई कॉन्टैक्ट नहीं, नहीं कर रहा उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा वो शर्माए जा रहा है ये चीज़ कर रहा है तो मैं कह रहा यार ये बंदा जेनवन है इवन सवाल भी जो मैनेजमेंट ने दिए थे कुछ ऐसे थे कि जिससे कोई

जिससे किसी कॉन्वर्जेसन हो रही थी एक एक एफर्ट करते हुए दिख रहे थे कि यार एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और बात वही है कि वो ये भी चेतना उस वक्त जो हमें साइड बाय साइड दिख रहा होता है कि वो बोल रही थी कि यार कि इतना जल्दी वो नहीं करना चाहती लेकिन ये कि वो जो भी चीज़ कर रहा है वो एफर्ट कर रहा है वो दिख रहा है ठीक है दोनों ये कहते हैं कि वो एफर्ट उसके नोट कर दिए वो भी कहते हैं कि वो जो भी चीजें कर दी वो नोट कर रहा है तो इसी से चीज़ और बनती वो है। उसकी लॉयल्टी देखो चेतना की उसने कहा कि काश निशान पिया होता तो कितना अच्छा हाँ। होता मजा लेकिन तीन में क्या मजा थ्री वाला नहीं कर सकते अभी इतना टेम्पेशन आइलैंड पहुंचा नहीं उस लेवल पे तो उसका खैर अलग ही था एक व्यू तो वो भी अच्छा लगा उसको पॉजिटिवली उसको अपने पार्टनर को उसने याद किया बाकी जो दूसरे लोग तो रिवेंज के चक्करों में थे या कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे थे कि भाई ये तो मेरे खिलाफ़ शायद ये कर रही होती या वो कर रही होती बिल्कुल अब चेतना ही है ना मुझे लगता है वो सेंस है इन सब में मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिबल भी मुझे लगती है जिस तरीके से वो चीज़ें कर रही है ना कोई वो रश में है कि हाँ नहीं बस आई हूँ और बस अब सिंगल मुझे एक चालीस दिन के लिए किया हुआ है या कुछ जो भी है तो वो दिमाग से काम ले रही है और दिल से भी काम ले रही है और एक्सप्लोर सही तरीके से करी है मुझे लग रहा है बाकी जो है ना वो सिर्फ जल्दी जल्दी में कर रहे हैं जैसे निकिता के हमने पूरी देखी वो तो मूड में थी ना कि भाई मैंने तो वो तो भरी बैठी थी कि भाई मुझे मौका मिले है। और मैं चढ़ जाऊँ किसी पे लोग यही कह रहे हैं कि यार ये जिस भी उसमें जाती है शो में इसको ट्रू लव मिल जाता है अच्छा इसको हर जगह ट्रू लव मिल जाता है इसको यहाँ भी ट्रू लव मिल गया बात है टेन का तो पता ही नहीं अभी तो मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है कि वीकेंड पे टेन को बताएंगे तो भाई क्या अच्छा, होगा वीकेंड में ये होगा कि ट्रेन हाँ टेन, टेन, टेन को वीकेंड पे ये होगा जैसे वीकेंड का बिग बॉस में होता है इसके अंदर ये होगा कि आपस में कॉम्बेशन इन लोगों से, से होगी ये आपके जो होस्ट हैं करण और मोनी आएंगे और ऑब्वियसली कुछ स्पाइस तो करना है ना ऐसे तो ही ना चलता रहेगा तो उसके अंदर वो चीजें थोड़ी थोड़ी बताएंगे कि भाई ये हुआ ये हुआ और ताकि पता चले कि उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा होंगे वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली जब पता चलेगा तो वैसे ही वो Actions उस बात पे रिवेंज बाद तो उसको तो तो पता चलेगा ये चीज पूरी हो गई है तो टेन क्या करेगा गुस्सा अब जो हमने पूरा ट्रैक देख लिया चेष्टा वाला एक तो मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ नहीं सिलेक्ट किया था तो निकल वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा आएगा भाई ये एक ऐसा कनेक्शन है रात के चार बजे हाँ ये कोई अलग ही रात के चार बजे वैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है

और फिर वो पता नहीं मेडिटेशन कहाँ से कहाँ निकल गई पता नहीं वो क्या इतनी जल्दी पूरा समझ नहीं आया मुझे जबकि मुझे पता था जिस तरीके की कॉन्वर्जेशन चेष्टा की हो रही थी ये चीज़ तो क्लियर थी कि अर्जुन और चेष्टा दोनों मूव ऑन ही करने आए हाँ, यहाँ पर पता चल गया था जिस तरीके से वो सारी उनकी कॉन्वर्जेशन के फट थे हर चीज़ थी इतनी बार शीट किया है उसने भी किया वो कहता उसने भी किया है तो दोनों का क्लियर था मुझे पता था कि यार इन लोगों ने तो जब निकलना है ना तो वो खुल के अलग ही निकलना है ये वाला चक्का था लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी जो कि देख लिया तो अलग ही सीन चल रहे हैं अब ये अर्जुन को भी पता चलेगा वीकेंड पे तो अर्जुन तो पहले से ही भरा अर्जुन तो तैयार <laughs> था कि क्योंकि उसको इतना उसने रखा हुआ था ना हंटर पे कि भाई तुम्हें ये नहीं करना और उसको आंखें दिखा रही थी लेकिन जब अर्जुन को पता चलेगा तो उसके गले से हटेगा पट्टा क्या पता है अर्जुन भी अभी डेट पे जाने वाला है वो भी तब तक कुछ कर ले इक्वली कहते हैं वीकेंड पे दोनों को ही पता चल रहा होगा हाँ अर्जुन को बस ये कि एक, एक किक स्टार्ट देनी है और वो फिर अपना पूरा जलवा दिखाएगा वो बस उसकी चेष्टा की वजह से रुका हुँ. हुआ था चेष्टा और निखिल की जो डेट थी मसाज रूम में उनको मसाज दिया जा रहा था बॉडी मसाज और उनकी बातें चल रही थी मुझे ऐसा लगता है दोनों कपल जो है ना वो आपस में उनके थॉट्स या उनका इंटेलेक्ट लेवल अलाइन नहीं करता नहीं कह रहा बहुत डीप बातें करता है सोच समझ के हमें भी समझनी पड़ती क्या बात कर रहा रहा है के कर रहा है तो वो कहता है ना कि इस, वो कि इसको चेष्टा को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है अपने में उसको बोल दूंगा तो वो जानबूझ के यानी वो ऐसा है नहीं अब पता नहीं पता नहीं क्योंकि वो इतनी डीप बातें कर रहा था ना कि मैं भी बड़ा सुन रहा था गहराई से कि यार इसका मतलब क्या है और यही बात चेष्टा को भी समझ नहीं आ रही थी वो भी कह रही थी कि वो डाइजेस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन फिर जो वॉशरूम वाला सीन हुआ है तो मुझे लगा कि यार कि ये शायद कंपैटिबल कपल नहीं था

कुछ ना कुछ चल रहा है हर वॉशरूम ऑक्यूपाइड तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है श्रद्धा बड़ी वो ही भी है आपका तो मेरे से कनेक्शन था और आप मुझे ये कह रहे थे मुझे वो कह रहे थे और आपने ये किया तो कहता तो है अभी तो स्टार्ट है श्रद्धा के साथ लोगों ने ज्यादा इनका कपल जो है वो पसंद आया लोगों को डांस था तब उसको भी हो रहा है वो बेसिकली अर्जुन तो है दोनों ही साइड बाय साइड कुछ हो जाए उसको तो तीन मिल जाए तो उस पर भी खुश है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि एक हाँ। या चार मिल जाए उसको तो तो वो तो है लेकिन ये है कि उनका भी चल रहा है सर आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा है कि काफ़ी लोगों की एक बॉन्ड बॉन्ड सा बनना शुरू हो गया है आइस ब्रेकर हो गया ना पहले बड़े रिजर्व थे लोगों ने बातचीत नहीं की थी वो पूल पर जो एक्टिविटी हुई है आपकी तो उनको सबको जो है ना वो बातचीत करने में इजी हो गया है क्योंकि आप दूसरे का भी सुन रहे होते हो ना कि उसमें उसका पार्टनर क्या कह रहा है टाइम क्या कह रहा है तो आपको आइडिया हो जाता है अच्छा यार इस लेवल की इससे इतना मज़ाक किया जा सकता है इतना खुला जा सकता है तो अब सबको सबका पता चल चुका है सब बेशरम है बिल्कुल <laughs> और कुछ भी कर लेंगे लोग ये तो है अब वही ना ऐसा ऐसा चीज़ें इनके साथ क्लियर भी हो रही हैं थोड़ी सी ओपन भी हो रहे हैं अभी तो स्टार्ट है अभी तो देखें कितनी लेकिन भाई टेन ने जो है ना ब्रोक आउट तोड़ दिया निशान का क्योंकि निशान की नज़र और टेन की नज़र एक लड़की पे थी राजवी पे राजवी नाम है राजवी पे और निशांग ने गड़गड़ाया रोया कि भाई ना चूज कर ना चूज कर लेकिन उसने बोला कोई मसला नहीं है मैं नहीं करूँगा लेकिन नाम उसने भी निशान के साथ बड़ा बुरा होता है उसको अगर आप देखो डेट चूज करने वाला भी लास्ट में उसकी बारी आ, है। यार, ये समझ नहीं आता लड़कियां नहीं बचती यार ना उसके बाद अभी बारी, बारी आई तो उसमें भी सारे लास्ट में है तो क्यों उसके साथ ऐसा किया जा रहा है वो फिर रो जाता है वो इसलिए रोया हुआ उसको याद आए होगा मेरे साथ नाइन काफ़ी हो रही है उसको इसलिए रोया होगा तो उसके साथ मैं यही कहता हूँ यार मैं देख रहा हूँ उसको बेचारे को लास्ट में चांस मिल रहा है उसको? सब तो चले जाते हैं वो क्या करेगा अच्छा मुझे जो एक चीज़ वो हो रही है ना मुझे लगता है कि आगे जाके अब पता नहीं इंटरनेशनल जो टेम्पेशन हाइनल तो होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है ऐसे तरीके का होता नहीं होता लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी अगर नहीं होती तो उसमें होनी चाहिए कि जब इन लोगों का बॉन्ड हो जाए ना थोड़ा सा सबके साथ हर चार लड़कों का चार लड़कियों के साथ एक बॉन्ड बन जाए तो चार लड़कियाँ आपकी खाली हो गई हैं ऑब्वियसली उनका भी वो स्लॉट <laughs> <laughs> उनकी कोई पार्टिसिपेशन ऐसा किसी के साथ नहीं है और द गर्ल्स वाला में अगर चार लड़कियों का चार लड़कियों के साथ बॉन्ड हो गया तो चार लड़के फिर उनको क्या करना चाहिए कि उनको शफल कर देना चाहिए वो लड़कियाँ आ जाएँ इधर और ये लड़के आ जाएँ इधर hmm. तो अब वो आठ लड़के हो गए चार लड़कियाँ हो गई और इधर आठ लड़कियाँ हो गई चार लड़के हो गए ऑब्वियसली hmm. तो वो लड़के भी फिर अगर उनको ज़बरदस्ती का बॉन्ड बनाएगा तो दूसरी जगह एक्सप्लोर करेंगे तो वो अगर बॉन्ड बन गया हुआ तो फिर वो वीकेंड होगा तो ये मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है अगर इस तरीके की हो आगे जाके तो वो ये होगा ना कि अगर चूज़ कर लिया अपनी यहाँ हमारा पक्का ही है वो भी टूट जाएगा तो कोई भी चीज़ अगर वो ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ घूमता ही इधर उधर बस उससे तो वो तो खाली रह जाएगा तो हाँ बड़ा ही अच्छा आपने एक, एक पैटर्न बनाया और आई डोंट नो कि हमारी आवाज़ अगर पहुँच जाए मैनेजमेंट तक तो ये इम्प्लीमेंट कर दे शायद उनके जहन में पहले से ही हो हाँ बिल्कुल और बाकी ये है कि भाई श्रद्धा अगर आपको जिसने ने नहीं किया तो प्लीज़ पीछे नहीं बाजो इट्स अ साइन बच जाओ भाग जाओ अभी भी आपको साइन मिला है कि कट लो कट लो लेकिन वो प्यार में थोड़ी अंधी है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा है उसका अर्जुन की तरफ देखा हो हो है। है। इतना नविशा का नहीं है नविशा थोड़ी सी खुली हुई नहीं है अभी थोड़ी सी लॉस्ट है लेकिन श्रद्धा तो ओपनली कह रही कि मुझे अर्जुन नहीं तो चाहिए हो गया यार श्रद्धा भाग जा भाई वज्जा वज्जा लग जाएंगे श्रद्धा अगर आप सुन रही है तो शाहरुख भाई की तरफ से ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए और इसके साथ साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बाय बाय